हेलो दोस्तों, आज की हमारी जो रेसिपी है वो है एक टिफिन रेसिपी। इसे आप टिफिन में बनाइए, लंच बॉक्स में बनाइए या फिर बनाइए ब्रेकफास्ट में। ये बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगी और केवल 2 मिनट में बन जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी सी एक चटपटी बढ़िया सी चीजी रेसिपी है जो हर किसी को पसंद आती है। उसी के साथ हमारे फेसबुक पेज नेहाज किचन बिलापा स्टार्ट हो चुका है वीकली कॉन्टेस्ट। और यदि आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया हुआ है तो फेसबुक पर जाइए, नियाज किचन बिला को सर्च कीजिए और फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपसे कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उनके आंसर देने पर, लाइक और शेयर करने पर आपको मिल सकते हैं हर वीक बढ़िया बढ़िया से गिफ्ट्स। तो इसलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बनाते हैं इस बढ़िया सी रेसिपी को जो हर किसी को पसंद आएगी। तो इसके लिए चाहिए हमें प्याज, अदरक और धनिया, और आप चाहें तो थोड़ा सा गार्लिक यूज कर सकते हैं। हम तीनों चीजों को मिक्स करके चॉप कर रहे हैं। हमें इसको बिल्कुल एकदम फाइन बारीक चॉप करना है। आप कैसे भी चॉप कर लीजिए, चॉपर बोर्ड पर कर लीजिए, चॉपर से कर लीजिए या हाथ से कर लीजिए, जैसे भी आपको सुविधा हो वैसे आप चॉप कर लीजिए। तो ये देखिए एकदम फाइन चॉप कर लिया हमने। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया 1 कटोरी बेसन। इसमें मैं अब मसाले ऐड करूँगी, तो यह है हींग। अब इसके बाद हम डालेंगे अजवाइन, उसी के साथ हल्का सा लाल मिर्ची का पाउडर। ये रेसिपी बच्चों के लिए, इसे लाल मिर्ची कम रखी है। हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। और उसी के साथ थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर। और अब हम डालेंगे यहाँ पर जो अभी हमने प्याज, धनिया, अदरक बहुत बारीक चॉप करके रखा है वो इसमें हम मिक्स कर देंगे। और पानी के यूज़ से हम इसका एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। इसका जो पेस्ट अभी हम तैयार कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा, वो समथिंग पकौड़ों जैसा पेस्ट होगा। बस पकौड़े से आप हल्का सा पतला समझ सकते हैं। इसको अच्छे से हम पेस्ट तैयार करके एक साइड रख लेंगे। तो ये हमारा अभी पेस्ट रेडी हो गया है। अब चलिए लेते हैं दूसरी चीज़ें। तो चलिए इसको साइड से रखते हैं और लेते हैं हम ब्रेड। और उसी के साथ हम यहाँ पर लेंगे कुछ चीज स्लाइसेस। अब इस पेस्ट में हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे जब हम इसको बनाने वाले हों। और एक साइड तवे को हल्का सा ग्रीस करके गर्म करने के लिए रख दिया है। ब्रेड के ऊपर मैंने रखा है 1 चीज स्लाइस। सेम इसी तरह से हम दूसरा भी रख देंगे। और अब हम इन ब्रेड्स को प्लेस कर देंगे तवे के ऊपर। जो भी हमने घोल रेडी किया था वो घोल हम इस पर फैलाएंगे और इसको पूरी तरह से कवर कर देंगे घोल से। अभी हमने तवे को पहले ही थोड़ा गर्म कर लिया था, तो जब आप इस ब्रेड को रख दें तवे पर तो हमेशा फ्लेम को एकदम लो कर दें, अदरवाइज आपका जो ब्रेड है वो नीचे से बहुत जल्दी जल जाएगा और इसको पकने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखें कि हमने थोड़े गर्म तवे पर रखा था, उसके बाद फ्लेम को एकदम लो कर दिया है और ढककर इसको हम केवल 1 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे जो ऊपर का जो बेसन है वो हल्का सा फूल जाएगा। तो ये देखिए 1 मिनट हो गया है और हमारी ब्रेड भी नीचे से एकदम क्रिस्पी और बढ़िया हो गई होगी। तो हमने एक झटके में ही इसको पलट दिया है इस तरह से। और आप चाहें तो थोड़ा ऑयल अब इसके ऊपर और भी लगा सकते हैं, साइड साइड से भी लगा सकते हैं। फिर से हम इसको कुछ देर के लिए ढकेंगे, लगभग 1-2 मिनट के लिए, जिससे हमारा बेसन अच्छे से पक जाए। और आप देखेंगे ये हल्का सा फूल गया है, इसमें जो हमने चीज़ डाला है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका होगा अंदर, और ये फूल भी गया है। और जो इसकी ब्रेड वाली लेयर है वो एकदम प्रॉपर क्रिस्पी हो गई है, और जो इसका मसाला है वो ऊपर की साइड आपको प्रॉपर टेस्ट देगा। बेकिंग पाउडर की वजह से ये अच्छा सा फूल जाता है, तो ये खाने में एकदम चीजी
थोड़ा सा स्पाइसी और थोड़ा सा क्रंची सारे टेस्ट देता है। ये बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। तो ये हमारा चीजी मसाला टोस्ट रेडी हो चुका है बनकर, इसको हम उतार लेते हैं और इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए आप। इसका ब्रेड एकदम क्रिस्पी है, बच्चों के आप टिफिन में भी इसको बनाकर रखिए, बच्चे बहुत ही शौक से इसको खाते हैं क्योंकि इसमें चीज़ है और ये हेल्दी भी है। ये हमने बेसन के साथ बनाया है, उसी के साथ हमने इसमें कुछ वेजीज भी ऐड किए हैं, मसाले ऐड किए हैं। तो देखिए इसकी चीज़ कितना बढ़िया लग रहा है देखने में ही। तो एक बार आप भी इसको ट्राई करके देखिए और अच्छा लगे तो बार बार निहास किचन बिला पर आइए बार बार, और लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को घंटी के साथ, जिससे नए नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और सबसे पहले आपको उनकी नोटिफिकेशन मिले।